सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉर्थ इंडियन फूड विद इंदू में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम फूली फूली खस्ता सूजी आलू की पूरी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और एकदम खस्ता बनकर तैयार होती है। तो आप इस सूजी आलू की पूरी को किसी भी ओकेजन पर बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस सूजी आलू की पूरी की रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने इसे बनाने के लिए लिया है एक बड़ी कटोरी गेहूं का आटा। इसी के साथ मैं यहाँ डाल दूंगी आधा कटोरी सूजी, यहाँ मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी एक कटोरी उबली हुई आलू, इसे मैंने मैश करके डाला है। साथ ही इसके डाल देंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच के लगभग मैं यहाँ पे इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। थोड़ा सा अजवाइन को हाथों से मसल कर ही डालें, इससे पूरी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं यहाँ डाल दे रही हूँ आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच नमक, और यहाँ साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसे भी हम मसल कर डालेंगे। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और लास्ट में यहाँ डाल दे रही हूँ 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ रिफाइंड ऑयल डालने से हमारी पूरी बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी। तो यहाँ मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर ले रही हूँ, और इसके बाद ही मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही हम इसे गूथना स्टार्ट करेंगे, एकदम से ही ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसमें आलू डाला हुआ है। तो यहाँ हमें ज़रा से पानी की और ज़रूरत है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से गूथ लूँगी और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा पूरी का डो तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें लास्ट में ऊपर से डाल दे रही हूँ 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, इसे मैं पूरे डो पर लगा दूँगी चारों तरफ से घुमाते हुए। और अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक कर के रेस्ट पर रख देंगे। ढक कर रखने से होगा ये कि जब हम पूरियाँ तलेंगे तो वो अच्छे से फूलेंगी। तो यहाँ हमारे 15 मिनट लगभग हो चुके हैं, डो भी अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब मैं यहाँ इसके पेड़े काट लूँगी। तो यहाँ मैं इसमें से आधा पोर्शन डो का लेके मैं इसे स्लैब पर रोल कर लूँगी। तो यहाँ इसे आप अपने हिसाब से रोल करें, जिस हिसाब से आपको लोइयाँ तोड़नी हो। तो यहाँ मैं चाकू से सेम साइज़ की पेड़े कट कर ले रही हूँ पूरियाँ बनाने के लिए। तो अब मैं इसमें से एक एक पीस उठाकर इनके पेड़े बना करके रख लूँगी। तो जब कभी भी आप सूजी का इस्तेमाल पूरियों में करें तो आप बारीक वाली सूजी का ही इस्तेमाल करें, और अगर आपके पास मोटी वाली है तो उसे एक बार ग्राइंडिंग जार में डाल के ग्राइंड कर दें। तो यहाँ हमारे पेड़े बनकर तैयार हैं, तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। तो यहाँ मैं स्लैब पे ज़रा सा बस ऑयल डाल दे रही हूँ, और दोनों तरफ से हम लोई में तेल को लगा देंगे। यहाँ मैंने पूरियाँ बनाने के लिए सूखे आटे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। तो यहाँ इस तरह से हम बाकी की पूरियों को भी बेल कर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ एक एक पूरी बेल कर और सीधा तेल में डाल सकते हैं, या तो फिर आप एक साथ 5-6 पूरियाँ इकट्ठे ही बना लीजिए और फिर तेल में डालिए। तो यहाँ मैं इकट्ठे ही 4-5 पूरियाँ बेल ले रही हूँ और फिर इसे तेल में डालकर फ्राई करूँगी। तो यहाँ मैंने पूरियाँ बेल कर तैयार कर ली हैं, तो चलिए अब हम इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ कढ़ाई में पहले से ही तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। मैं यहाँ पूरी को डाल दूंगी तेल में, और अब तेल में डालने के बाद हम इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। पूरियाँ तलते वक्त तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, तभी हम पूरियों को डालना शुरू करेंगे इसमें। तो यहाँ हमारी एक तरफ से पूरी लाल हो चुकी है, तो मैंने इसे दूसरी तरफ भी पलट दिया है कि अच्छे से दूसरी तरफ भी फ्राई हो जाए। ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी और दूसरी पूरी भी मैं तेल में डाल दूँगी। सेम उसी तरह से इसे भी हल्का सा प्रेस करते हुए हम पूरियों को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमारी सभी सूजी आलू की पूरियाँ फ्राई होकर तैयार हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया और फूली फूली पूरियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो यहाँ मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई है। तो लग रही है ना बहुत ही टेस्टी पूरी। तो जितनी ही ये देखने में टेस्टी लग रही है, उतनी ही ये खस्ता और करारी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी एक बार इस तरह से सूजी आलू की खस्ता करारी पूरियां बनाकर ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि कैसी लगी आपको ये सूजी आलू की पूरी। और अगर आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।